दोस्तों, अभी मैं अलीगढ़ पुरानी बस स्टैंड पे आ गया हूँ और आप देख सकते हैं यह है पुराना बस स्टैंड अलीगढ़ का। और आप देख सकते हैं चारों तरफ है यहाँ का। दोस्तों, थोड़ी दूर चलने के बाद आपको रेलवे अलीगढ़ रेलवे जंक्शन दिखेगा, जैसे कि आप देख सकते हैं। मात्र 500 मीटर की दूरी पे रेलवे स्टेशन है जंक्शन, जो कि अलीगढ़ जंक्शन स्थित है। यहाँ से आगे चलने के बाद यहाँ पे अग्रसेन द्वार, जैसा कि आप देख सकते हैं, यह अग्रसेन द्वार है। तो यहाँ से आपको यह देख सकते हैं पुलिस स्टेशन भी है। और आगे को चलेंगे तो यह चौराहा पड़ता है आपको, और यहाँ से आपको देख सकते हैं कि अग्रसेन द्वार लिखा हुआ है चौक और चारों तरफ से। और अगर आप पुरानी बस स्टैंड से आते हैं या फिर रेलवे जंक्शन से उतरते हैं तो यहीं पे आपको आना है सीधे। और आगे को मैं अगर बढ़ता हूँ तो सीधे जाके आगे चलने के बाद यहीं से ऑटो पकड़नी है आपको। ऑटो आपको सूती मिल चौराहे के लिए पकड़नी है। एक बार और ध्यान से सुन लें, सूती मिल चौराहे के लिए आपको यहाँ से ऑटो मिलेंगी। यहीं से आपको सूती मिल चौराहे के लिए ऑटो पकड़नी है। और देख सकते हैं अभी मैं अग्रसेन चौक हूँ और ये देख सकते हैं यहीं से ऑटो आप पकड़ेंगे अगर सूती मिल चौराहे के लिए। और सीधे चलते हैं सूती मिल चौराहे, उसके बाद आगे हम दिखाएंगे आपको। तब तक आप रास्ता देख सकते हैं दोस्तों। और सूती मिल चौराहे से पहले ही नया बस स्टैंड भी पड़ता है, तो अगर नए बस स्टैंड भी अगर आते हैं आप तो आपको अग्रसेन चौक नहीं आना है, सीधे आपको सूती मिल चौराहे के लिए ऑटो पकड़नी है। और यहाँ से आप देख सकते हैं यही जो कि बस स्टैंड है नया वाला, और यहाँ से आप देख सकते हैं सीधे को जाना है। अग्रसेन चौक नहीं जाना है आपको, सीधे सूती मिल चौराहे जाने हैं। आप रास्ता देख सकते हैं। और दोस्तों, फाइनली आप देख सकते हैं कि मैं अभी सूती मिल चौराहे पे हूँ, और यहाँ से सीधे लेफ्ट घूमना है। और यहाँ से आपको ऑटो मिलेगी खेर के लिए, मात्र 10 रुपये लगते हैं यहाँ से। आप ये देख सकते हैं इधर ही से हम लोग आए हैं, और यहाँ से आप, मैं अभी खेर चौराहे आ चुका हूँ। यहाँ से जैसा कि मैंने बताया कि 10 रुपये लगेगा और खेर चौराहे आ जाने हैं। खेत चौराहे आने के बाद जैसा कि दोस्तों आपको राइट साइड घूमना है, जैसा कि ये रास्ता सामने देख सकते हैं, और यहाँ से आपको 10 रुपये लगते हैं मात्र। और ITM कॉलेज सीधे कोई भी ऑटो वाला आपको छोड़ देंगे, और आप सीधे, मैं चलता हूँ कॉलेज पे। जैसा कि दोस्तों अभी मैं देख सकते हैं TCS IOM डिजिटल जोन अलीगढ़ ITM कॉलेज पे आ चुका हूँ, जैसा कि आप देख सकते हैं। अभी दोस्तों एग्ज़ाम सेंटर पे हम पहुँचे हैं और बच्चे अभी एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो निकलेंगे जब दोस्तों यहाँ से बच्चे, तो मैं उन्हें भी दिखा दूँगा आपको। मैं पूरा नाम दोस्तों स्क्रीन पे लिख दूँगा, इसकी आप पूरा पढ़ पाएँ। और ये देख सकते हैं सामने की यह जगह है जो कि स्कूल के सामने पड़ा है, कॉलेज के सामने।
देख सकते हैं अभी आप कि बच्चे निकल चुके हैं एग्जाम देके, और आप देख पा रहे होंगे। फाइनली दोस्तों, आपको यह रास्ता आसानी से जान पहुंच सकते हैं यहाँ आसानी से। जैसा कि दोस्तों मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि आपको रास्ता समझ में आ चुका होगा। तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखें, और आप यह वीडियो कहाँ से देख रहे हैं प्लीज़ लिखें यह, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि हमारे दोस्तों को यहाँ तक पहुँचने में परेशानी ना आए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।